हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। सारनु प्यार भरी सत श्री अकाल, नमस्ते, नमस्ते। नमस्कार। आई होप तुसी सारे जने ठीक होंगे। ते आज असी आए हाँ बिल्कुल रात में पहली बारी, और रात में आने का प्लान ये है कि हम जा रहे हैं आज ट्रिप पे, क्योंकि लॉन्ग वीकेंड स्टार्ट हो चुका है, मंडे की छुट्टी है, तो हम ट्रिप पे जा रहे हैं। और ट्रिप बहुत ही एक्साइटेड होने वाला है, क्योंकि हम जा रहे हैं सनराइज देखने मोरेन लेक पे। और बहुत ही सुना है इस बारे में कि सनराइज वहाँ पे बहुत अच्छा होता है, और सुबह सुबह 5 साढ़े 5 बजे तक सनराइज हो जाता है। तो हम वही कैप्चर करने की अभी आज कोशिश करेंगे, क्योंकि वहाँ पे स्पॉट्स जल्दी लोग ऑक्यूपाई कर लेते हैं, तो इसलिए हमें रात में निकलना पड़ रहा है। अभी बज तो रहे हैं करीब 10 बजे। 10 बजे से हमें निकलना होगा और 2 घंटे लगेंगे हमें, राइट? हमें 2 घंटे लगेंगे वहाँ पहुँचने में, 10 अराउंड 12 साढ़े 12 बजे तक पहुँच जाएंगे हम। और हमारा सोने का भी वही प्लान है, तो इसलिए हम अपने कंबल, खाने पीने का थोड़ा बहुत सामान और कुछ कुछ चीज़ें, टॉर्च, ये सब चीज़ें हम लेके जा रहे हैं, ताकि थोड़ा सा ऊपर ट्रैक करके जाएं, वहाँ से हम देखें व्यू सनराइज़ का। आपको भी दिखाएंगे और होपफुली एक अच्छी सी वीडियो भी कैप्चर करेंगे। और बने रहिए हमारे साथ, हम आपको लेके चलते हैं ऑन अ अमेजिंग जर्नी। टू मोरेन लेक। ये लेट्स गेट स्टार्टेड। वाहिगुरु जी का खालसा। तो हम पहुंच चुके हैं बैंफ नेशनल पार्क, और यहां से हमेगा पास, और जो अगर आप पास खरीदना पड़ेगा तो वो नेक्स्ट डे 4 बजे तक के लिए वैलिड होता है, और $20 का पास है कोई, तो उसके बिना आपकी एंट्री नहीं है बैंफ नेशनल पार्क में। और हम वेट कर रहे हैं ताकि 12 बज जाएँ, और उसके बाद हम पास खरीदें, ताकि हम संडे 4 बजे तक वो वैलिड रहे, ताकि हमें वापस आने में कोई दिक्कत ना हो, दोबारा पास ना खरीदना पड़े। तो अगर आप भी कल को आओ तो ये बात ध्यान में रखना कि आप पास खरीदोगे तो वो 4 बजे तक के लिए वैलिड होता है। यहाँ पहुंच गए थे मोरेन लेक की पार्किंग में, और 2 घंटे सोने के बाद हम सीधा चले गए ऊपर व्यू पॉइंट पे। तो काफ़ी लोग ऊपर पहले पहुंच चुके थे और अपना स्पॉट कैप्चर कर चुके थे, तो हमने भी अपना एक स्पॉट फिक्स कर लिया था ताकि हम अपना वीडियो और फोटो अच्छे से ले सकें।
गाइस यहाँ पे हो गया हमारा काम खत्म, हमने देख लिया सनराइज और अभी हमारा प्लान है कि कहीं पे जाके रुकेंगे, थोड़ा फ्रेश व्रेश होंगे, थोड़ा चाय कॉफी लेंगे, नाश्ता वाश्ता करेंगे और उसके बाद नेक्स्ट के पॉइंट पे चलेंगे जो कि हो सकता है नेक्स्ट ब्लॉग में, हो सकता है इसी ब्लॉग में, हम देखेंगे कितना लंबा बनता है ये वाला। तो अभी हम जाते हैं फ्रेश होने के लिए और अपना चाय नाश्ते के लिए। बताओ कि कैसा लगा व्यू? ये गाइस बहुत ही बढ़िया प्लेस है अगर आपको सनराइज देखना है तो, और यहाँ पे लोग 3 बजे से आना स्टार्ट हो जाते हैं, हम तो अपना गाड़ी में सो गए थे। अब हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं कुछ इन्फॉर्मेशन अबाउट द ट्रिप कि मोरेन लेक में जाने के लिए, अगर आपको सनराइज देखने जाना है उस केस में, कि जाने के लिए कहाँ जाएं, कैसे जाएं, कितने बजे जाएं और घर से क्या क्या लेकर निकलें, वो सब हम शेयर करते हैं। तो सबसे पहली बात तो जो हमारे पास इन्फॉर्मेशन थी, हमें ये था कि वहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ होती है और आप 10 बजे यहाँ से निकलो और 12 बजे पहुँचो और ऊपर ही जगह कैप्चर कर लो सोने के लिए और 5 बजे उठ जाओ और सनराइज देख लो। लेकिन इतना भी जल्दी जाने की गाइस ज़रूरत नहीं है, ये हमने इसी ट्रिप से ही पता चला है हमें कि इतनी जल्दी जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। हमारा सजेशन रहेगा कि आप 2 बजे के अराउंड निकलो और 2 घंटे लगते हैं वहाँ पहुँचने के लिए। तो कैलगरी टू मोरेन लेक एग्जैक्ट, तो वहाँ पे आप 4 बजे तक पहुँच जाओगे, तो 2 बजे आई वुड सजेस्ट कि आप 1-2 घंटे पहले सो जाना, उसके बाद 2 बजे निकलना, नींद पूरी करके जाना। राइट, हमने किया था कि हम 10 बजे निकले थे, 12 बजे वहाँ पहुँचे थे और 2 घंटे वहाँ सोए थे, तो आप वो 2 घंटे यहाँ पहले सो लेना और फिर आप 4 बजे तक पहुँच जाओगे। 4 बजे आपको वहाँ पहुँच के थोड़ा सा ऊपर जाना है और ऊपर जाके वहाँ पे आपको जो पॉइंट है जहाँ से सनराइज दिखता है वहाँ कुछ कुछ लोग आपको दिख जाएंगे, हमें तो लोगों के कैमरे सेट किए हुए पहले ही दिख गए थे और लोग भी नहीं बैठे थे। हाँ, बहुत फोटोग्राफर्स आते हैं और कई लोग तो अपना कैमरा छोड़ के चले जाते हैं नीचे, कैमरा वहाँ पड़ा रहता है और कोई उठाता भी नहीं है और वहाँ पड़ा रहता है और अपना फोटो कैप्चरिंग करता रहता है। तो हम भी 4-4:30 बजे के अराउंड ऊपर पहुँच गए थे सोने के बाद और उसके बाद लोगों की भीड़ इकट्ठा होना स्टार्ट हो जाती है। तो आई वुड सजेस्ट कि आप भी 2 बजे निकलो, 4 बजे पहुंचो, 4 बजे सीधा ऊपर चले जाओ। हाँ, और टेम्परेचर तो हम चेक करके जाते ही हैं ऑलरेडी, कनाडा का तो ये वेदर का कोई भरोसा है नहीं, तो वेदर चेक करके ही जाओ। हमारे से एक मिस्टेक हुई थी, हम जैकेट निकाल के रखे थे बट लेना भूल गए थे, तो एक बहुत ठंड थी। करेक्ट, इतने भी टेम्परेचर ज्यादा नहीं थे बट हवा चल रही थी तो बहुत ठंड थी और हम 4 बजे से बैठे हुए थे लेक के सामने। तो राइट, तो जो जो सामान लेके जाना है उसमें जैकेट, जैसे स्मिता ने बता दिया, जैकेट एक चीज है जो हम भूल गए थे, आप मत भूलना। और नेक्स्ट है कि आप शूज अच्छे पहन के जाओ ताकि आप ऊपर चढ़ सको, थोड़ा सा ट्रैक करना पड़ता है, तो एक शूज हो गए और टोपी वगैरह ले जाना ताकि ठंड ना लगे, कई बार ठंडी हवा चल रही होती है ऊपर, जैसे आज चल रही थी, हम लोग तो कंबल लेके गए थे जैसे कि हमने बताया, थ्रो ब्लैंकेट लेके गए थे क्योंकि हमारा ऊपर जगह ही रोकने का प्लान था और वहीं पे चटाई लेके बिछा के सोने का प्लान था जो कि नहीं हो पाया, तो हम वो वाली ब्लैंकेट लेके ही अपने आप को ओढ़े हुए थे। तो एक आधी फोटो डाल दूंगा मैं कि हम कैसे लग रहे थे वो ब्लैंकेट ओढ़ के। और जब आप वहां पे पहुंचने लगोगे तो वहां पे काफी सारी डिवाइडिंग करी हुई है, गवर्नमेंट ने करी आई थिंक, कि ताकि वहां पे भीड़ ना लगे, जाम ना लगे, तो उन्होंने डिवाइडिंग करी हुई है। तो जब आप वहां पे जाते हो उस टाइम पे आपको टर्न लेने का ऑप्शन नहीं मिलेगा मोरेन लेक की तरफ, तो आपको लेक लुइस तक जाना पड़ेगा, लेक लुइस के बाद आप वापस आओगे यू टर्न लेके, फिर आप वापसी के टाइम पे मोरेन लेक की तरफ मुड़ सकोगे। तो कई बार कई लोग तो वो देख के ही वापस हो गए थे, सबको लगा था कि रास्ता बंद करा हुआ है जबकि रास्ता बंद नहीं है, तो आपको वापसी में टर्न करना है मोरेन लेक की तरफ और उसके बाद आप वहां पहुंच सकते हो, पार्किंग मिल जाएगी आपको आराम से, कोई इतनी मारामारी नहीं होती पार्किंग की, बट हाँ टाइम पे पहुंचना अराउंड 4 बजे, 4 बजे के बाद पहुंचोगे पार्किंग नहीं मिलेगी। बट देखने के बाद हम फिर लेक लुई की तरफ गए और वहाँ पे कॉफी वॉफी सब लिया। मोरेन लेक के आसपास तो कुछ नहीं था बट लेक लुई के पास कॉफी शॉप अवेलेबल है, तो वहाँ से आप कॉफी लेके, हाँ जो लेक लुई विलेज है उसमें, लेक लुई विलेज में आपको पब्लिक वॉशरूम भी मिल जाएंगे और अपना चाय कॉफी का बढ़िया मिल जाएगा, तो आप ब्रेकफास्ट करके बढ़िया वापसी आ सकते हो। वापसी में हमने पहले नेचुरल ब्रिज देखा, उसके आसपास एरिया आप कोशिश करना कि कवर कर लो एक ही ट्रिप में ही, नेचुरल ब्रिज हो गया, हमने भी कवर करा है लेकिन हम आपको वो नेक्स्ट वीडियो में दिखाएंगे। टकाका फॉल और नेचुरल ब्रिज, एमरल लेक, ये सब आसपास हैं, तो ये सब देख लेंगे। बैंक भी हम टारगेट कर रहे थे कवर करने का, हम पूरा चकदे फट्टे वाले मूड में थे कि जितना हो सके कवर कर सके, बट बहुत थक गए थे गाइस, वापसी में हो नहीं पाया। गाइस ये था आज का वीडियो, आई होप आप सबको ये वीडियो अच्छा लगा होगा क्योंकि हमने बहुत मेहनत करके बनाया है, इतनी रात को ट्रेवल करने गए हैं
और सो भी नहीं पाए हैं ढंग से। और चार्जिंग का भी बहुत पंगा पड़ रहा था, हमारा चार्ज बहुत जल्दी ख़त्म हो रहा था। टाइम लैप्स हमने वीडियो बनाई है, वो भी हम वीडियो में डाल देंगे, तो टाइम लैप्स के चक्कर में चार्ज ख़त्म हो गया है। तो कभी इसी के फ़ोन कभी उसके फ़ोन में थोड़ा थोड़ा चार्ज कर करके वीडियोस बनाए हैं, फिर क्यूमुलेट करके आपको दिखाए हैं। आप बिना मेहनत किए इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और चैनल को कर सकते हैं सब्सक्राइब, ताकि हमें मिले ढेर सारा मोटिवेशन, ताकि हम और आपको कैलगरी के आसपास की या अल्बर्टा में और जो जगह है वो सब दिखा सकें, या बीसी तक भी जा सकें, आगे और कहीं भी जा सकें। आपका मोटिवेशन की जरूरत है, जितना मोटिवेशन मिलेगा हम आगे जाते रहेंगे और आपको दिखाते रहेंगे फिर नए नए वीडियोस, अच्छे अच्छे वीडियोस। तो सब्सक्राइब करें और शेयर करें, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। थैंक यू।